यहाँ तक कि मुझे बलात्कार की भी धमकी दी गई थी। तुम भी भ्रष्टाचार करो, तुम कितने घोटाले करो, बस बीजेपी ज्वाइन कर लो, सुबह तक आप बिल्कुल फ्री कर देंगे, बिल्कुल बरी हो जाओगे हर चीज। और देश में भूखमरी सबसे ज्यादा है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, किसानों के ऊपर इनके नेताओं के बेटे गाड़ियां चढ़ाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनहित आवाज में, मैं हूँ आपके साथ पूजा। आप यहाँ पर आज जो फौजी भाइयों का यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है, उसी के चलते यहाँ पर जो है सभी लोग एकजुट हुए हैं। किस तरीके से वन रैंक वन पेंशन को भी सरकार ने किस तरीके से ख़त्म कर दिया है, पेंशन को ख़त्म कर दिया है, तो उसी पर जो है आज चर्चा करते हैं मैम से। मैम सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुदेश गोयत है, वाइफ ऑफ मेजर अजमेर सिंह गोयत। जी मैम, यहाँ धरना प्रदर्शन आपने इससे पहले भी किया है, लेकिन आज भी आप लोग एकजुट हुए हैं, तो क्या कुछ समस्या आ रही है, क्या पेंशन्स नहीं मिल रही हैं उन लोगों को? ये धरना प्रदर्शन अभी नहीं किया हमने, 2015 से हमारा जारी है, आज 2700 दिन पूरे हो गए हैं और हमारा आंदोलन हमेशा चलता रहता है, पोल नंबर 8 पे, बंगला नंबर 5 के अपोजिट, और डेली हमारे सैनिक यहाँ पे आ रहे हैं। आज 2700 दिन हुए हैं, तो हमारे अलग अलग राज्यों के सैनिक भी यहाँ पे पहुँचे हैं, अपने बिहार से भी आए हैं, उत्तराखंड से आए हैं, पंजाब से आए हैं, कई राज्यों के सैनिक यहाँ पे पहुँचे हैं। बाकी दिल्ली वाले तो डेली आते हैं, 1 बजे से 3 बजे तक यहाँ पे बैठते हैं डेली। लेकिन समस्याएं क्या आ रही हैं, क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप बार 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 समस्या? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने एक वादा किया था सैनिकों से 2013 में, 15 सितंबर 2013 में रिवाड़ी हरियाणा में एक रैली की थी प्रधानमंत्री जी ने, तभी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, इन्होंने कहा था कि अगर देश में 2014 में अगर इनकी केंद्र में सरकार आती है तो फौजियों को वन रैंक वन पेंशन दिया जाएगा। पूरे देश के सैनिकों ने इनकी बात पे भरोसा किया और पूरे देश में घूम घूम के फौजियों ने इनके लिए वोट मांगे और इनकी सरकार भी आई। जैसे इनकी सरकार आई तो एक साल हो गया था इनकी सरकार आए हुए, जनरल सतबीर 11 लोगों की टीम लेके इनके घर गए, अरुण जेटली के घर गए कि आपने 100 दिन में देने का वादा किया था, आज तो एक साल हो गया। अरुण जेटली जी कहते हैं कि हम नेता लोग जो इलेक्शन से पहले वादा करते हैं वो सारे पूरे करने के नहीं होते। तो 14 जून 2015 को हमारे जंतर मंतर पे यहाँ धरना दिया गया था और अगले दिन से रिले हंगर स्ट्राइक शुरू हो गई थी, जिसमें हमारे बहुत सारे भाइयों ने इसमें अपना योगदान दिया। 14 भाई हमारे 23 दिन तक लगातार भूख हड़ताल पर बैठे, उसके बाद मैं और 2 हवलदार मेरे साथ हमने भी 11 दिन तक भूख हड़ताल की और 810 दिन मैंने रिले हंगर स्ट्राइक किया। 810 दिन वो दिन है कि एक दिन भी कभी लेट नहीं हुए, सुबह से लेकर शाम तक हम यहाँ सिर्फ पानी पी सकते थे, सारा दिन मैं पानी पीती थी और रात को घर जाके खाना खाते थे। 24 घंटे में एक बार मैंने खाना खाया, 810 दिन लगातार रिले हंगर स्ट्राइक की, 11 डेज मैंने फास्ट एंड टू डेथ किया, जंतर मंतर पे दिन रात यहीं सोते थे, यहीं बैठते थे। और जब 8 दिन तक न मेरे अंदर चम्मच एक चम्मच नींबू वो क्या कहते हैं नमक गया न चीनी गई, तो 8वें दिन जब मैं यहाँ बेहोश हो गई तो मिलिट्री हॉस्पिटल में एडमिट किया गया इमरजेंसी में, 4 दिन मुझे वहाँ रखा गया। लास्ट मेरी हालत को देखते हुए सभी ने मुझे मजबूर किया कि आप फास्ट एंड डेथ ख़त्म कर दो, तो मुझे 11वें दिन अपना व्रत तोड़ना पड़ा। बहुत बार दिल्ली पुलिस के डंडे खाए, आप सब ने देखा होगा, कभी मंदिर मार्ग थाने में घसीट के ले जाया गया हमें, कभी पार्लियामेंट थाने में, यहाँ तक कि मुझे बलात्कार की भी धमकी दी गई थी जो, और उसकी FIR दर्ज 14 महीने बाद दर्ज की गई थी मेरी, और अभी 30,000 कोर्ट में वो केस चल रहा है। डिजिटल इंडिया बोलते हैं प्रधानमंत्री जी, लेकिन आज तक ढूंढ नहीं पाए कि वो गंदा इंसान कौन था जो एक आर्मी ऑफिसर की पत्नी को बलात्कार की धमकी दे रहा था। लेकिन मैं भी एक किसान की बेटी हूँ, मैंने भी अपने माँ बाप की कसम खाई थी, जब तक हमारी वीर नारियों को उनका हक नहीं मिल जाता हम यहाँ डटे रहेंगे और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। डंडे भी खाए हैं, अपमान भी सहा है, लेकिन अपने वीर नारियों का जब चेहरा देखते हैं कि जिनके हस्बैंड ने देश के लिए जान दी और आज वो अपने पेंशन के लिए दर दर भटक रही हैं। आज भी सिपाही की विधवा को 12,000 रुपये पूरे भी नहीं मिल रहे हैं पेंशन, और जो हमारे देश के सैनिक हैं जिनको रिजर्विस्ट सैनिक बोलते हैं, जिन्होंने 62, 65 और 71 तीनों लड़ाइयाँ लड़ी, उनको आज 9,810 रुपये दे रही है सरकार। आप किसी भी रिजर्विस्ट के घर जाके, आप सबसे अपील करती हूँ कि आप रिजर्विस्ट के घर जाइए, मैं नंबर दूंगी, आप उनका इंटरव्यू लिखे डालिए कि उन्होंने कितनी तकलीफों में, कैसे उन्होंने पीटी शूज पहन के लड़ाइयाँ लड़ी थी 1962 की, कैसे चने गुड़ खा खा के वो काम चलाते थे, और आज सरकार क्या दे रही है उनको, सिर्फ 9,810 रुपये। कितनी शर्म की बात है, विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, लेकिन जो देश के बहादुर हैं जिन्होंने 3-3 लड़ाइयाँ लड़ी हैं उनको सम्मानित करना चाहिए।
उनको आप उनकी कम से कम एक 15,000 रुपये तो उसको होनी चाहिए पेंशन। काम वाली बाई है ना, वो भी 10,000 से नीचे नहीं लगती। एक ड्राइवर रखोगे तो 15,000 से नीचे एक ड्राइवर नहीं मिलता। लेकिन देश के सैनिक, मैं राष्ट्रपति जी से खासकर आप, मैं हमेशा 2015 से अपील कर रही हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी राष्ट्रपति एक महिला हैं, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि कम से कम हमारे रिजर्विस्ट सैनिकों को बुलाकर उनका सम्मान कीजिए और कम से कम 15,000 रुपये मेरे रिजर्विस्ट भाइयों की कर दीजिए। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा, मातृ शक्ति शायद मेरे भाइयों का दर्द समझे, मैं आपसे अपील करती हूँ। मैम अभी आपने बताया कि जिस तरीके से आपको धमकी दी गई है कपिला नारी, आप तो एक वीरांगना है जो वीर जो वतनों पर लड़ते हैं, और उसके लिए सरकार जो है लगातार दावे वादे करती है कि आपके सम्मान की आप बात करते हैं, तो सम्मान में आपके लिए एक अग्निपथ योजना ला दी गई है, वो कितना सही है? ये सैनिकों को सड़कों में बिठाना ये सैनिकों का सम्मान है? हम महिलाओं को ऐसे कॉलर पकड़ पकड़ के घसीटा गया, एक महिला को 15-15 पुलिस वाली घसीट रही थी, हमारे जनरल की सतबीर जनरल की पगड़ी को ऐसे घसीट रहे पुलिस वाले, विंग कमांडर नेव जिन्होंने दो दो वीर चक्र प्राप्त किए हैं, जिन्होंने 1965 में रिकेतर में दो दो जहाज पाकिस्तान के गिराए, उनको पुलिस धक्के मार रही है, ये सम्मान है? प्रधानमंत्री जो कहते हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ भाषण में होता है। मैं कहना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी, 8 साल में आप भाषण दे के नहीं छिके क्या? भाषण दे दे के आपका मन नहीं भरा? प्रधानमंत्री जी दो ही काम करते हैं, एक तो भाषण देना, दूसरा फोटो खिंचवाना। ये दोनों काम पूरे हो गए हो तो प्रधानमंत्री जी देश की हालात पे बात कीजिए, देश में देखिए कि कितनी भूखमरी है। विषय गुरु बनाने की बात करते हैं मोदी जी, देश भूखमरी में नंबर वन पे जा रहा है, महिलाओं की भी बात करते हैं, बेरोजगारी में नंबर वन पे जा रहा है, महिलाओं का बलात्कार सबसे ज्यादा बलात्कार बीजेपी में बैठे लोग करते हैं, और जो बलात्कारी है उनको ये सम्मान करते हैं। जैसे कहते ना लोग कि कुछ पाप किए हैं तो गंगा जी नहा लो तुम्हारे पाप धो जाएंगे, मैम संस्कारी है वो लोग, कितनी शर्म की बात है। वो बानो का हमारे गुजरात वाली बहन का जो बलात्कारी थे, वो जब उनको छोड़ा गया, और एक दिन पहले प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं महिलाओं के सम्मान में बात कर रहे हैं, अगले ही दिन बलात्कारियों को रिहा किया जाता है, उनको माला पहनाई जाती है, लड्डू खिलाए जाते हैं, इससे क्या हमारा ये क्राइम जो हो रहे हैं वो सुधरेगा? इससे तो और उनका मनोबल बढ़ेगा। ऐसे वो कहते हैं ना कि गंगा में नहाने से पाप धुल जाते हैं, बीजेपी सरकार एक ऐसी सरकार बना दी, कितने भी भ्रष्टाचार करो तुम, कितने घोटाले करो, बस बीजेपी ज्वाइन कर लो, सुबह तक आप बिल्कुल फ्री कर देंगे, बिल्कुल बरी हो जाओगे हर चीज से, वॉशिंग मशीन की तरह साफ बिल्कुल धो देंगे, अच्छे से धो देंगे, वॉशिंग पाउडर निर्मा की एड आती थी ना कि एक सारा दाग हटा देंगे, तो बीजेपी सरकार वो बन चुकी है। ये किसी का सम्मान नहीं करती, ना ये सैनिकों का सम्मान करती, ना ये जवानों का, ये किसानों का करती। किसान 13 महीने तक डटे रहे थे टिकरी बॉर्डर पे, मैं भी किसान जवानों के साथ थे, अपने भाइयों के साथ थे किसानों के, 750 से ज्यादा हमारे किसानों ने बलिदान दिया। वो कहते कि समझा नहीं पाए किसान भाइयों, क्या क्या आरोप लगाए हमारे ऊपर, कभी हमें मवाली गुंडे मवाली बोला गया किसानों को, ये बीजेपी के नेता बोलते थे, कभी हमारी किसान शहीदों किसानों की मौत पे हंसे ये लोग, कभी बलात्कारी बोल रहे हैं, कभी इन्होंने आतंकवादी बोल रहे हैं, अगर पगड़ी वाले किसान आ गए तो ये कह रहे ये सारे खालिस्तानी हैं। देशभक्ति कौन करता है, किसान या जवान वही करते हैं। बॉर्डर पे शहीद कौन होता है, किसान का बेटा जाता है? ये नेता का कोई एक बेटा बॉर्डर पे गया होता आज तक बता दो? ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के जो नेता सेवा करने के लिए होते, जो नेता होते थे वो देश की सेवा करने के लिए होते थे, लेकिन आज जो कुर्सी में बैठे वो नेता नहीं है, वो सिर्फ व्यापारी है, और व्यापारी सिर्फ अपना फायदा सोचता है, फायदा और नुकसान ही सोचता है। जिस चीज में फायदा होगा उसके लिए उसको अपने बच्चों को भी बेचना पड़े, अपनी वाइफ को भी छोड़ना पड़े, अपने भाइयों को भी गोलियां चलानी पड़े, सब काम तैयार, सब काम करने को ये तैयार है, बट इनकी कुर्सी बची रहे। देश की बात करते, देश हित की बात करते हैं, इसके लिए क्या किया? मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री जी एक तो बता दीजिए, 2014 में जितने प्रधानमंत्री जी ने वादे किए थे, अपनी कुर्सी में रामलीला मैदान से किसानों से वादा किया था, पहली कलम से किसानों का कर्जा माफ करूंगा, आज तक किया कर्जा माफ? आमदनी दुगनी कर दी, वो बोला आमदनी दुगनी करूंगा, आमदनी दुगनी नहीं की, लागत दुगनी कर दी। आज किसान मर रहा है, पेट्रोल का भाव 100 से ऊपर है, डीजल का भाव, ना तो वो ट्रैक्टर चला सकता, ना इंजन चला सकता, खाद का भाव जो 50 kg का कट्टा आता था वो 45 kg का कर दिया, 5 kg हमारी खाद भी काट ली किसानों की, और उसके उसके रेट कितने हाई कर दिए, हर चीज में कटौती करते जा रहे हैं, ये देने वाले नहीं है। कौन सी सेवा देश को बर्बाद करके, यहाँ तक कि कहाँ तक गिरेगी ये सरकार? और तो और इन्होंने आर्मी को भी नहीं छोड़ा, आर्मी के अंदर भी राजनीति घुसा दी। सबसे पहले इन्होंने जब जनरल रावत को चीफ बनाया, दो जनरलों को सुपरसीड करके जनरल रावत को बैठाया इन्होंने,
जलन राव से वो काम कराए जो ये चाहते थे, चाहे वो अपने फार्म पोल्ट्री फार्म बंद करवाए, कैंट के अंदर जो जमीन थी वो सारी जमीन उन्होंने अपने आँखों के नाम करवाई, जगह जगह कैंट में जो जमीन थी वो सारी छीन ली गई है, फौज के पास छोड़ा क्या ही इन्होंने। और ऊपर से अभी ये हम मांग रहे थे कि वन रैंक वन पेंशन लागू करो, इन्होंने ला दिया अग्निवीर बना दिया। ये अग्निपथ योजना लेके आए हैं, अग्निपथ योजना का इनको पता आगे आने वाले भविष्य में क्या तकलीफ होने वाली है। सबको तो मिलेगा उसमें, जो उसमें सबको मानती हूँ मैं, सबको मिलेगा, बहुत अच्छा है। क्या तकलीफ है? तकलीफ ये है जो रेगुलर भर्ती होती है वो बंद ना करे मोदी सरकार। अगर सच में देश का भला चाहते, जो रेगुलर फौज में भर्तियां हो रही थी, हर साल हमारे 60,000 के करीब हमारे जवान ऑफिसर रिटायर हो रहे हैं, तो उतने ही जा भी रहे थे। बट ये क्या कह रहे हैं, ये बोल रहे कि अगर 100 जवान लिए उनमें से 75 को ही रखेंगे और उसकी भी गारंटी नहीं है। तो धीरे धीरे करके हमारी फौजें कम होती जाएंगी। चाइना इतना बड़ा बॉर्डर लगता है, उधर पाकिस्तान का इतना बड़ा बॉर्डर लगता है, क्या हमारी थोड़ी सी मुट्ठी भर फौजें रह जाएंगी तो क्या हम उनका मुकाबला कर पाएंगे? क्या हमारा देश सुरक्षित रहेगा? अगर हमारी टेक्नोलॉजी से काम नहीं चलता भाई, टेक्नोलॉजी बनाओ लेकिन बॉर्डर पर संख्या भी तो होनी चाहिए। अगर हमारी भारतीय सेना मजबूत है, सक्षम है, तो उसमें आप उसको खत्म क्यों कर रही है? रेगुलर भर्तियां खत्म क्यों कर रही है? एयरफोर्स का तो सब कुछ हो गया था, सिर्फ कॉल लेटर आना बाकी था, मेडिकल हो गया था, फिजिकल हो गया था, भागा दौड़ी सब हो गया था, जो बच्चे बेचारे इंतजार कर रहे थे कि हमारा आज कॉल लेटर आएगा और आज जाके हम एयरफोर्स में ज्वाइन करेंगे। उन बच्चों ने, कितने बच्चों ने सुसाइड किया पता आपको? नेशनल चैनल नहीं दिखाएंगे आंकड़े, जब आप गांव में जाओगे ना तब देखोगे कि कितनी माओ ने अपने बेटे को खोया है, कितने बच्चों के सपने थे कि हमें आर्मी में जाना है। अभी जो अग्निवीर बना रहे हैं ना, उनको आप सिपाही का रैंक मिलेगा, जो रैंक के लिए, जो रैंक होता है ना, जब आदमी जला भी जाता है इस दुनिया से उसके बाद भी हवलदार राम सिंह हवलदार ये उनका ना रैंक से पहले रैंक लिया जाता है, नाम से पहले इतना सम्मान होता है, ये ना रैंक दे रहे हैं, 4 साल के बाद घर आ जाएंगे, ना उसको मेडिकल सुविधा होगी, ना कोई कैंटीन की सुविधा होगी, वो सैनिक ही नहीं कहलाएगा, तो किस बात का? ये अग्निवीर बनाए सरकार, अगर सच में देश का भला चाहती तो रेगुलर भर्ती जारी रखे सरकार, जैसे फौज में भर्तियां हो रही थी, रिटायरमेंट हो रही थी, उनको होने दीजिए 4-4 साल तक। जो लोग अपनी मर्जी से जाना चाहते हैं, ऑफिसर भी तो जाना चाहते हैं, बहुत से ऑफिसर ऐसे हैं कि 5 साल नौकरी करी, ज़्यादा करा 10 साल कर ली, 14 साल करी, वो घर आ जाते हैं, विदाउट पेंशन आ जाते हैं, तो वो उनकी अपनी इच्छा है। तो जवानों के साथ ऐसे अन्याय क्यों? जवानों को भी तो मौका मिले ना कि उनकी मर्जी से जीने का, मर्जी से जाने का। जो मेरा भाई चाहता कि भाई मैं तो 18 साल नौकरी करूँगा, 24 साल करूँगा, हवलदार बन के आऊँगा, तो वो बेचारा हवलदार बनना चाहता है, लेकिन सरकार कहती नहीं नहीं तू 4 साल हो गया तू बाहर जा, तो ये अपमान है जवानों का। लेकिन ज़्यादा जो है अग्निवीर के लिए भर चुके हैं, भूखा मरता क्या ना करे, अभी आप 10 दिन से यहाँ भूखी बैठे होंगे ना, सूखी रोटी वहाँ सामने दिखेगी ना आप दौड़ के उठाएंगी, और जब आप घर में होते हो आपके आगे थाली में परोसती है माँ, तो आप खाना नहीं खाते हैं। तो सरकार देश का भला नहीं चाहती, सरकार सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों को देश का मालिक बनाना चाहती है। अडानी अंबानी के घर भर रही है, उनकी आमदनी कितने गुना बढ़ा दी गई है, और देश में भूखमरी सबसे ज़्यादा है, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है, महिलाएँ बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, किसानों के ऊपर इनके नेताओं के बेटे गाड़ियाँ चढ़ाते हैं, वो फिर खुलेआम गुंडों की भांति बाहर घूमते हैं, उनके ऊपर कोई FIR नहीं होती, और बलात्कारियों को ये रिहा कर रहे हैं। ये देश का विकास नहीं हो रहा, देश में मैं कहूँगी कि देश का सत्यानाश कर रही है सरकार, जो कहती थी कि सबका साथ सबका विकास, ये सबका नाश कर रही है, ये विकास कभी नहीं कर सकते। जय जवान जय।